अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आई होप आप ठीक होंगे, फिटफाट होंगे। तो मेरा पहला दिन जो इधर गुजरा दुबई में, तो बहुत ही साउथ गुजरा है। मैं पाकिस्तान से क्या सोच कर आया था और इधर क्या हुआ है। तो भाई पहले मैं सोचता था यार दुबई बहुत अच्छी होगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, गांव की तरह होगा, जहां हम रहेंगे ऊंट होंगे, हम उनको घास वगैरह देंगे और रेस करेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं पहले दिन इधर आया तो एयरपोर्ट पे आया, मैं खुश हो गया। मैंने कहा वाह नाइस, मैं तो गुड अच्छी जगह पर आ गया, अच्छी लोकेशन पर। जब इधर आया, मुझे इधर लेकर आया, रात का वक्त था। जब सुबह उठा देखा मैंने, भाई ये तो मुझे जंगल में ले आए हैं, तो मैं तो यकदम ही डर गया। फिर जब मुझे ऊँट में लेकर जाया गया, देख सकते हैं कितने हमने ऊँट इधर बांधे हुए हैं उनके साथ। और ये होता है वो असल गलीसा, इस तरह समझ लें, इसकी हमने ट्रेमिंग करनी होती है। और जो नए ऊँट होते हैं हमने इधर बांध के इनको इसके साथ बांधना होता है। तो बहुत ही हार्ड वर्क है। पहले 8 दिन 10 दिन तो मैं गिर पड़ता था इस ऊँट से। हाँ तो व्यूअर, तो जब मैं गिर पड़ता था तो मेरा दिल नहीं करता था ऊँट पे बैठने का। तो फिर मैं सोचता था इतना पैसा लगा कर आया हूँ, 3 से 4 लाख रुपए, तो फिर क्या करूँ अब। तो अब फिर मैंने अभी ऐसा ऐसा दिल बांधा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं काम कर रहा हूँ। बाकी तकरीबन डेली काम 10 से 12 किलो इनको भगाते हैं। जो 10 से 12 किलो कहना तो आसान है, लेकिन बस करना बहुत मुश्किल है। बस हम अभी कर रहे हैं, इंशाल्लाह 2 साल आपका भाई इधर ऊँटों में काम करेगा, उसके बाद देखेगा कि इधर शहर में कोई अच्छा काम मिला तो करेगा, वरना यू टर्न पाकिस्तान। हाँ तो व्यूअर, अगर मैं बात करूँ अपनी सैलरी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी अच्छी भली है, क्योंकि हमारी डबल शिफ्ट है। हम रात को उठते हैं 3 बजे और सारा दिन काम 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 काम, और रात को जाकर फिर 8 से 9 बजे हम फ्री होते हैं। तो ये हमारी डेली रूटीन है। हमने इनको उठना होता है, घास वगैरह देना होता है, और भी बहुत सारे सिस्टम है, और इनको भगाना होता है, ये चादर इनको ऊपर रखनी पड़ती हैं। तो बाकी जो इधर आता है आपको पता है वो इजीली समझ ही जाता है एक ना एक दिन। तो बाकी हम इधर ये देख लें ना, इधर कोई आपको दरख्त दिख रहा होगा ना कुछ, बाकी ये थोड़े से पॉइंट बने हुए हैं जहां हम ऊँट वगैरह बांधते हैं, ये देख लें उस पे टाइप के इस तरह। इधर कोई दीवारें वगैरह नहीं होती, बस इधर कपड़े ही लगा के वह बंद कर दिया जाता है। तो ये सिस्टम है इधर का, ये है दुबई। तो इधर सिर्फ आपको डेजर्ट रेत ही रेत देखने को मिलेगी। तो अगर आप दुबई आना चाहते हैं, दुबई आने का सोच रहे हैं, तो पहले काम देखें, काम क्या करना है, किधर रहना है, क्या सूरत हाल है, पूरी गाइड लें, उसके बाद दुबई है। बाकी मैं आपको पूरी दुबई का टूर देने वाला हूँ, इधर क्या काम होते हैं, आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी इधर जॉब्स अवेलेबल भी हैं, और उधर थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। बाकी सब चिल माहौल है इधर, बाकी इधर कोई डर, कोई ख़तरा, कोई चोरी, कोई डकैती कुछ नहीं है। बाकी काम थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हम कर रहे हैं। हम रात को 5 से 6 घंटे हम नींद करते हैं, बाकी उनका जब भी दिल करे वो हमें उठा लेते हैं। तो बाकी मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी आपने ये बताना है कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा, मैं व्लॉग और बनाऊँ ना बनाऊँ, किस टाइप के बनाऊँ, आपने लाजम बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thanks for subscribe my channel.